नमस्कार आराधना किचन को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत मु आराधना आज आपण को सहित माछ मेंची भजार रेसिपी शेयर करबी। जदि आपण को मो रेसिपी को भल लागछि मो चैनल को लाइक करंतु, फ्रेंड किंवा फैमिली मेंबर को सहित फेसबुक किंवा व्हाट्सएप रे आपको शेयर करंतु। जदि आपण मो चैनल को नुआ आछते पर्यंत सब्सक्राइब करना थी तबे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना दो, जहाँ तरह की मांग को प्रकट पर सब नोटिफिकेशन आपको प्रथम मिल जाओ। मुझे पांचटा पीस रोही माछ नहीं स्वाद अनुसार लुण पकईद हाफ टी स्पून हलदी गुंड सहित लुण और हलदी को भलरे मिक्स करद ये भलरे मिक्स हो जाए को 5-10 मिनट छाड़ दबा जहाद्वारा कि माछ लुण हलदी को आब्जर्व कर नब तापर आम आपको भाजवा तो भाजवाई मुझे गोटे कड़े को गरम कर नहीं सोरिष तेल एड करद 2-3 चम्मच हम आपको टे कड़े चारिपटे स्प्रेड करद तेल गरम हो गला आम ए गोटे गोटे करके पकई फ्राए करवा गोटे पट साइड टिके हो गला आम आपको ओल्टे दबा एपट सेपट करके आम दीपट साइड रुक फ्राए करद किंतु बेसी फ्राए करवानी हल्का भाजिकी आपको बाहर करद दीपट साइड रु माछ भाजी हो गला एबे हमें आपको बाहर को बाहर करद ये आम 2-3 चम्मच तेल पकई गरम कर नवा तेल टिके गरम हो आसले ए दीटा तेजपत्र एड करद 2-3 खंड डालचीनी गोटे बड़ साइज़र प्याज को काटिके एड करद प्याज ट्रांसपरेंट हेला पर्यंत आम आपको फ्राए करवा प्याज ये भाजी हो गला नेक्स्ट आम ए 2टा मीडियम साइज रो बैगन एड करद बेसी आप बैगन एड करें ना बैगने बैगण लगे देखिए जमी मछर क्वांटीटी टी अधिक रैगण क्वांटीटी कम रही कला बैगण नहीं जो बैगण ये अवेलेबल हो बैगण नहीं जाइए बट आप कंटा लगा बैगण निदा कि यार टेस्ट बहुत भल आस नेक्स्ट आम ए स्वाद अनुसार लुण पकईद हाफ टी स्पून हलदी गुंड और हाफ टी स्पून लंका गुंड पकई आपको भलरे मिक्स करद यहाँ भलरे मिक्स हो जाए आम आपको कभर करद 5-7 मिनट कि बैगण अधारु अधिक टिके सिझिला पर्यंत एबे आमे नेक्स्ट स्टेप को जीवा बैगण हेला भितरे आमे माछरु कंटा बाछि दबा माछ गरम अछि तेणु मु आकु पिठा पातेरे भांगी भांगी दउछि जहा द्वारा कि एटा जल्दी टिके थंडा हे जइबो माछ एठी टिके थंडा हे गलानी एबे आमे एथरु कंटा बाछी के बाहर कर दबा जदि आप घर छोट छुआ अच्छा तेज आप पूरा कंटा बाहर कर निपण आपको केवल भांगिक आड कर बड़ लोक मैंने तो निजे निजे कंटा बाछिक खाईपर कि मुझे पूरा कंटा बाहर करने भी। मुझे सब मछर कंटा बाछिक बाहर कर नहीं एबे हमें बैगण को चेक करिबा बैगण ये सिझी गला एबे हमें इथरे छेचा अदा रसुण एड करद मुझे 10-12 कोल हम रसुण आ 1.5 इंच हम अदा को छेचिक रखी
आकु ऐड कर नोची तापरे हमें बाची के रखी थी बा माछ को इधर ऐड कर दबा एबे हमें ये सब को भल्ला रे मिक्स करके आकु फ्राई करीबा आकु हमें कवर करीबा नी लो फ्लेम रे आकु 10 रु 15 मिनिट पर्यंत एमते का भाजीबा जहा द्वारा कि अदा रसुण रो कंचा बासनाटा टिके पळेबो आ माछ बाइगण सहित लागी लागी जीवो आमे आकु कवर करीबा नी काहे किना जदी आमे कवर कर दबो ताले अदा रसुण जो आमे पकेई छे सेटा सिझी जीवो तो सिझार गोटे अलगा प्रकार स्मेल आसे आ भजार अलगा प्रकार स्मेल आसे अदा रसुण तो सिझिबो किंतु जो फ्लेवरटा आसीबो तार कंचा वाला सेटा एथरे ही भलो टेस्ट आनी थाए आ एटा टिके पोड़पोड़िया हाले ही बेसी भल लागे 15 रु 20 मिनिट पर्यंत म आकु भाजी सारलेनी मु 2 मिनिट चलौथिली आ 2 मिनिट आकु एमतिका छाड दउथिली पुनि 2 मिनिट परे पुनि आसीकी चलौथिली आपण देखि पडथिबे माछ बाइगण सब लागी लागी गलानी एटा हे गलानी लास्ट को आमे इथरे केवल अल्प टिके गरम मसला ऐड कर दबा हाफ टी स्पून हबो मु एठी होममेड गरम मसला यूज करूची आरो रेसिपी आपण चैनल रे देखि परिबे जदि आपण पाखरे होममेड गरम मसला नाही तहले ता जागरे आपण डालचिन गुजराती रो पाउडर यूज कर परिबे डालचिन आ गुजराती को टिके भाजी के गुंड करके इथरे ऐड करनंतु जादरा कि इथरे गोटे बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐड हिजबो गरम मसला को भलो रे मिक्स कर दबा एटा हे गला एबे आमे गैस ऑफ कर दबा म आपण को सर्व करके देखे नोच एठी हमरो माछ मेची भजा बनी के रेडी हे छि एटा गोटे बहुत सिंपल रेसिपी किंतु बहुत टेस्ट लागे आपण डेफिनेटली थोरटे ट्राई करंतु आ आपण को एक्सपीरियंस केमती रहिला मो सहित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके शेयर करंतु आपणा को पखाळा सहित खाई परिबे किंबा भात डाली सहित साइड डिश हिसाब रे मध्ये नै परिबे परोटा रोटी सहित मध्ये खाई परिबे कहा सहित मध्ये खाइले एटा बहुत बढ़िया लागे आपण थोरटे निश्चित ट्राई करंतु आपण को स्क्रीन तले रेड कलर जो सब्सक्राइब लिखाई छी ताको क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु पूरी देखाबा गोटे न्यू रेसिपी सहित थैंक यू।